और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ललन सिंह की जगह जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा है कि अब कोई बाबर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनने की दुआ करेंगे। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर हमला बोला और कहा कि अब कोई बाबर नहीं आने वाला है। अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि फिर बाबर उस राम मंदिर को, कोई काल्पनिक बाबर हो या आधुनिक बाबर हो या भारत का कोई बाबर बन जाए, वो अब मंदिर से मस्जिद नहीं बना पाएगा क्योंकि देश में सनातन जग चुका। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में नीतीश सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी क्योंकि गठबंधन अंदर अंदर टूट रहा है और लालू यादव जेडीयू के विधायकों को साधने में जुटे हैं। नीतीश कुमार जी एक बार तो ललन सिंह को हटा करके अपनी लुटिया बचा लिया पार्टी की, लेकिन लालू यादव के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुके हैं।